आर्मी पब्लिक स्कूल के इंटरव्यू के बाद जस्ट वहाँ पर आपका इंटरव्यू के दौरान टीचिंग डेमो लिया जाएगा। इस वीडियो में यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आपको टीचिंग डेमो देना है उनके सामने, और लेसन प्लान एक उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट के तहत आपको किस तरह से लेसन प्लान प्रिपेयर करना है, और जो उन्होंने कॉलम्स दिया हुआ है उस कॉलम्स के क्या मतलब है, क्या मायने हैं, किस हिसाब से आपको लेसन प्लान प्रिपेयर करके जाना है। यहाँ पर मैं लेसन प्लान के लिए कोई लंबी वीडियो नहीं दे रही हूँ, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, क्या यूज़ है, यहाँ पर मैं सिर्फ एक फॉर्मेट जो उनका जो फॉर्मेट है उसको फॉलो कर कैसे करना है, और उस क्योंकि वो एक दिन आपको इंटरव्यू के दिन जो कुछ मिनट्स दिए जाएंगे उस हिसाब से आपको लेसन प्लान प्रिपेयर करना है, यहाँ सिर्फ उसकी बात मैं करने वाली हूँ। मुझे मेरे ही सब्सक्राइबर ने और यहाँ पर उन्होंने भेजा है कि उनको कॉल लेटर आया है इस तरह का, तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जो कॉल लेटर है आपके भी कॉल लेटर इससे मिलते जुलते होंगे। पहले तो मैं थैंक यू कहूँगी आपको कि आपने अपना जो ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया, ये आपके लिए भी तो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी ही, साथ में ये कई सारे और भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इसमें प्रॉब्लम आ रही होगी, ये सबके लिए उनका समाधान करेगा, उनकी समस्याओं को समझे। यहाँ पे आपकी भी जो कॉल लेटर होंगे वो कुछ इस तरह के ही होंगे जो कॉल लेटर इंटरव्यू के लिए आया है, तो कुछ इस तरह का है जहाँ पर देखो आपको बताया गया है कि रिटन टेस्ट जो होगा ऐसे राइटिंग कॉम्प्रिहेंसन या जो भी है 15 मार्क्स का होगा, सिर्फ इंग्लिश हिंदी या फिर संस्कृत के लैंग्वेज टीचर्स के लिए होगा। तो ये जो ऑप्शन कॉलम ए है ये सिर्फ उनके लिए है जो लैंग्वेज टीचर हैं, तो लैंग्वेज टीचर के लिए ये ऑप्शन कॉलम ए होगा। अगर आपका लैंग्वेज टीचर आप नहीं है, सपोज़ कि आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं, तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू स्टार्ट होगा। तो इंटरव्यू में सबसे पहले मैंने आपको कल एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने बताया था कि इंटरव्यू को किस तरह से जाना है, और मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको, उन क्वेश्चंस को ये बताया था कि इन क्वेश्चन के आंसर आपको इंग्लिश में रेडी करने हैं, और आंसर भी मैंने एक दे दिया था सैम्पल आंसर कि आप उससे कुछ एडिट करके आप अपना आंसर प्रिपेयर कर लीजिए, और उतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए इंग्लिश में। तो अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये डाउट हो रही है कि जो इंटरव्यू होगी वो इंग्लिश में होगी, हाँ तो आपको एटलीस्ट जो क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन, क्योंकि आपको ये पता है कि ये सारे क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो उसके आप 4-5 लाइन के एक शॉर्ट आंसर टाइप जो है ना वो तैयार कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं 4-5 क्वेश्चन के आंसर को। मैंने क्वेश्चन आंसर्स पूरे दे दिए हैं कल की वीडियो में, अगर आप नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए, और यहाँ पर मैं लास्ट में उसका लिंक भी दे दूँगी जिससे कि आप उसको देख लीजिए कि आपको समझ में आए कि आप किस तरह से उनके क्वेश्चन को फेस करेंगे, कैसे आंसर करना है, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसके बाद इंटरव्यू के बाद बारी आएगी क्लास डेमो की, क्लास डेमो आपको कैसे देना है, फिर आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो यहाँ पे क्लास डेमो के बारे में हम बात करेंगे, क्लास डेमो में आपको क्या पूछा जाएगा, और एक लेसन प्लान उन्होंने दिया हुआ है फॉर्मेट, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये बताया गया देखिए कि जो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, यहाँ पर रिजर्व पैनल या फिर आपके जो जितने भी मार्क्स दिए जाएंगे उसको स्कूल जो है अपने पैनल के पास होगा। अगर उनके पास क्या होती है, अगर कोई वैकेंसी नहीं है अभी आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो वो आपका जो डाटा है, सपोज़ करो कि आपने आपकी इंटरव्यू अच्छी गई है लेकिन आपको कॉल नहीं आया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपका डाटा उठा के फेंक देंगे, नहीं, उन्होंने रिजर्व कर लिया, आपके डाटा को रख लिया है कि जब भी आप उनको आवश्यकता होगी, जब भी उनको ज़रूरत होगी आपको कॉल कर लेंगे, कभी भी आपको कॉल कर सकते हैं, उनके पास आपका जो भी आपने इंटरव्यू दिया है पैनल के सामने वो सारे डिटेल्स उनके पास ही सुरक्षित रहेंगे। और इसमें देखिए आपको जो ले जाना है वो ध्यान रखना है कि आपको, देखो मैंने भी बताया था कि आपके पास जो भी एकेडमिक टेस्टिमोनियल्स हैं सभी के मार्क्स कार्ड्स और सर्टिफिकेट्स जो भी है ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको सारे लेके जाने हैं, और यहाँ पर आपको प्लान करना है, लेसन प्लान बनाना है फॉर क्लास डेमो। तो चलिए अब बता देती हूँ इनका जो लेसन प्लान है उसको किस तरह से फिल करके आपको ले जाना है। तो ये जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है ये एक यहाँ पर लेसन प्लान है जो आपके कॉल लेटर के साथ अटैच करके उन्होंने भेजा है, जिसको आपको फिल करके ले जाना है। और इससे ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ये इन्होंने ये चीज़ न्यूली इंट्रोड्यूस किया है इस साल से, पहले ये चीज़ नहीं होती थी, आपको अपने आप से कोई भी लेसन प्रिपेयर करना होता था। तो ये अच्छी बात है कि आपने जो भी लेसन प्लान किया है ये आपको एक पता हो जाएगा कि मैंने ये टॉपिक करना है, तो आप अच्छे से, क्योंकि वहाँ जाने के बाद अगर आपको वो कोई अलग सा टॉपिक दे देते तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते कि किस तरह से पढ़ाना है। तो
यहाँ टॉपिक आपको चुन के ले जाना है, तो सपोज करो कि जो आपका जो ये टॉपिक है या फिर सब्जेक्ट है, आप अपने हिसाब से इसको फिल कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी इसको कैसे फिल करना है। तो पहले ये देखिए, आपको रखना है जनरल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि गोल्स। तो आपको जो पढ़ाने जा रहे हो उसका गोल क्या है और जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो सारे आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो मैं इस लेसन प्लान के पहले पेज से शुरुआत करती हूँ, जहाँ पर टीचर्स नेम में आपको अपना नाम लिखना है। ये जो कॉलम आप देख रहे हैं टीचर्स नेम का, यहाँ पर आपका नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे टीचर्स नेम में आप अपना नाम, जो भी आपका नाम है, आप यहाँ पे फिल करेंगे और जिस डेट में आपकी इंटरव्यू होनी है उस डेट को यहाँ पे फिल करना है। आपने जो लेसन प्लान बनाया वो कौन सी क्लास, सपोज आपने क्लास फाइव का, आप पीआरटी का दे रहे हैं, क्लास फाइव का लिया है, और सब्जेक्ट सपोज करो आपने ईवीएस सेलेक्ट किया है, तो आपको यहाँ सब्जेक्ट लिखना है। ईवीएस में आपने कौन सा लेसन चूज़ किया, मतलब कौन सा टॉपिक, तो एनसीईआरटी से कोई भी एक लेसन का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए जिस लेसन को आपने लिया है। और इस लेसन तो टॉपिक के बाद आपको यहाँ लिखना है कि आपको सपोज कि आपने जो 40 मिनट्स का एक क्लास का पीरियड होता है, टाइमिंग होती है उसकी, आपको कितने पीरियड्स रिक्वायर्ड हैं इस लेसन को कंप्लीट करने में। तो नंबर ऑफ पीरियड्स आपको यहाँ, सपोज आपने एक टॉपिक लिया है, आपने एक लेसन लिया है जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको कितने पीरियड्स लगेंगे वो आप यहाँ लिखोगे। जैसे कि आपने कोई टॉपिक चुना है क्लास फिफ्थ से एनसीईआरटी से, तो उसको 5 पीरियड में आप कंप्लीट कर दोगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड्स आपको 5 लिखने होंगे। लेकिन ये आपका बस एक प्लान है, ये वहाँ पर आपको 5 पीरियड्स करके पूरा लेसन नहीं पढ़ाना है, बस आपको लिखना है टीचिंग प्लान को। आगे बारी आती है कि कॉन्सेप्ट, अब कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट। अब क्या है, आप जब क्लास में जा रहे हो, जो आपने कंटेंट आपने चूज़ किया है, तो वो कंटेंट आपको सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, सपोज़ कि कोई भी लेसन आप ईवीएस का ले लो क्लास फिफ्थ से, तो जो आपका फर्स्ट लेसन है, मैं वही उसी के बारे में बात करती हूँ, गोइंग टू स्कूल, तो उसके बारे में है, तो उसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको आपको यहाँ पर थोड़ी सी समरी लिखनी है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या कॉन्सेप्ट दे रहा है। तो अलग अलग रीजन में, अलग अलग स्टेट्स में बच्चे किस तरह से स्कूल जाते हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट इस बारे में है, स्कूल जाने के बारे में, स्कूल ट्रैवल करने का जो रास्ता होता है और किस तरह से अलग अलग जगह पर होता है, इसको एक छोटी सी समरी बना के आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। फिर आ गया टीचिंग पॉइंट्स। अब इसके टीचिंग पॉइंट्स क्या क्या होंगे वो आपको यहाँ पे लिख देना है कि टीचिंग पॉइंट्स नंबर 1, 2, ऐसे आप मार्किंग कर करके लिखना, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। फिर सब्जेक्ट स्किल, सब्जेक्ट स्किल में आपको यहाँ भरना है कि जो टीचिंग पॉइंट्स के बाद आती है सब्जेक्ट स्किल, तो सब्जेक्ट जो स्किल है इसमें क्या क्या आपने, जैसे कि आपने ईवीएस के साथ साथ कौन कौन से और सब्जेक्ट है वहाँ पे आपने इंक्लूड किए, जैसे, और साथ में आपने लाइफ स्किल्स, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि हमने स्टडी को बना दिया है कि हम स्टडी को लाइफ से रिलेट करके पढ़ाते हैं, कि क्लासरूम को आप बाहर की इन्वायरमेंट से अगर रिलेट करके पढ़ाओगे तो बच्चे ज़्यादा समझेंगे, तो यहाँ पर उसी कॉलम को आपको दिखाना है कि आप जो पढ़ा रहे हो उससे उसका उनके लाइफ स्किल्स में क्या इम्प्लीकेशन है, जैसे कि उसकी थिंकिंग पे, सोशल इमोशनल स्किल्स में किस तरह से आप उसको डेवलप कर रहे हो। तो 2-3 पॉइंट इसमें छोटे छोटे लिख दो, जैसे कि आप जैसे वो लेसन कर रहे हो गोइंग टू स्कूल, तो वहाँ पे क्या लिखोगे कि इससे क्या होगा, बच्चों की थिंकिंग स्किल डेवलप होगी कि अलग अलग स्टेट्स में किस तरह से बच्चे तरह से स्कूल जाते हैं और अलग अलग इलाकों में, और सोशल कैसे होगा उसका, इमोशनल स्किल कैसे बच्चों के डेवलप होंगे, फिर एनी वैल्यूज़ फ्रॉम द लेसन, क्या इस लेसन से कोई वैल्यू बच्चे सीखते हैं, उसको भी आप यहाँ छोटा सा एक लिख दोगे, कुछ भी पॉइंट्स, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिख देना, ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर इंटीग्रेशन विद अदर टॉपिक्स, अब जो ये सब्जेक्ट आपने पढ़ाया इसका रिलेशन दूसरे सब्जेक्ट से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि जैसे गोइंग टू स्कूल है, इसको आप सोशल से भी कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि बच्चे जो हैं इन्वायरमेंट के अलावा वहाँ उसके बारे में सीख सकते हैं। इसके बाद आप साथ ही साथ इंग्लिश भी बच्चों की इम्प्रूव हो सकती है इससे, तो आप इस तरह से इसका लिख सकते, सब्जेक्ट का नाम सिर्फ लिखना और कुछ भी नहीं लिखना इसमें। तो इंटीग्रेट किस तरह से कर रहा है, तो ये सोशल के साथ कर रहा है, ये इंग्लिश के साथ कर रहा है। सो पहले पेज के बाद अब बारी आती है सेकंड पेज की। सेकंड पेज में यहाँ पे आपको लिखना है गोल्स और जनरल ऑब्जेक्टिव्स। अब जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जैसे आप सिंपल लेसन प्लान के जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो यहाँ पे आप लिख दीजिए, और ऑब्जेक्टिव्स आउटकम्स यानी कि बिहेवियर इंडिकेटर परफॉर्मेंस, यानी कि जो आउटकम इससे निकल के आएगा लेसन पढ़ने के बाद बच्चे क्या क्या जान पाएंगे, वो आपको यहाँ पर एक दो लाइन्स में लिख देनी है। फिर आपने मेथड्स चेक
फॉर प्रीवियस नॉलेज, आपने यहाँ पे क्या किया, जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी आपने क्या क्या यूज़ किया बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को, जैसे कि आप जब क्लास में जाते हैं आपने गोइंग टू स्कूल लेसन कराया तो आप बच्चों से पूछते हैं कि आप स्कूल कैसे आते हो, इस तरह के सवालों से आपने लेसन की शुरुआत की, तो बच्चे क्या हुआ इसे आपने प्रीवियस नॉलेज को पहले उसे पूछा कि स्कूल किस किस तरह से आया जाता है। कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ आता होगा, कोई कार में आता है, कोई साइकिल में आता है, तो ये सब उनके प्रीवियस नॉलेज को या बच्चों को जो भी नॉलेज इस बारे में वो यहाँ पे आप बताएंगे। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपना इसमें कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन और मोटिवेशन सेट इंडक्शन, तो यहाँ पर क्या करना है, आप किस तरह से आप बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं इस लेसन के पहले, क्योंकि लेसन को स्टार्ट करने से पहले बच्चों को मोटिवेट करना है उस लेसन के प्रति, और आपका इंट्रोडक्शन होता है वही इंट्रोडक्शन जो है वो बच्चों को मोटिवेट करेगा लेसन के प्रति, कि लेसन के में बच्चे कितना इंटरेस्ट लेंगे ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से लेसन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आ जाते हैं थर्ड पेज पे, यहाँ पे क्या करना है आपको लिखना है कॉन्सेप्ट, और फिर कॉन्सेप्ट यानी कि कॉन्सेप्ट और सब कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, और फिर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी, आपने जो भी मॉडलिंग या फिर एक्सप्लेनेशन या फिर यहाँ पर जो भी चीज़ आपने यूज़ किया है, जो भी स्ट्रेटजी यूज़ करी है, टास्क एक्टिविटी टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो रिक्वायर्ड है इसके लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो कॉन्सेप्ट है जो भी आप चाहे छोटे छोटे लिख दीजिए कि कॉन्सेप्ट इसमें क्या होता है बच्चों, या क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करता है इस लेसन में, वो आप एक दो कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी जो है आप बच्चों से क्या क्या इंस्ट्रक्शन करा सकते हैं इससे वो लिख देना है। फिर एक्टिविटी, क्या एक्टिविटी करवा सकते हैं इस लेसन में, जो मतलब बच्चों से जो आपको करवानी है उस एक्टिविटी के बारे में, या फिर आप क्लासरूम में कोई एक्टिविटी कराते हैं और उसके लिए क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड है वो भी आपको लिख, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यहाँ पे लिख देना। और क्या असाइनमेंट यानी कि CW या फिर HW जो भी आप देते हैं असाइनमेंट्स, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको लिख देना है एक दो लाइन में। तो ज़्यादा लंबी इस डेमो को नहीं बनाना है आपको, बहुत ही शॉर्ट में लिखना है क्योंकि ये उतना ज़्यादा पढ़ा नहीं जाएगा, जो आप वहाँ पर परफॉर्म करेंगे वो ज़्यादा मैटर करेगा। तो ये बस एक फॉर्मेलिटीज़ है, बस आप बस वो इतना चेक करना चाहते हैं कि आपने लेसन प्लान बनाना आता है कि नहीं आता, बस उतना ही उनको देखना है। अब यहाँ पे जैसे अगला है चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स एंड सब कॉन्सेप्ट कवर्ड। अब क्या करना है कि जब आपने लेसन पढ़ा दिया तो ये बारी आती है इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन में क्या करना है आपको, कॉन्सेप्ट और सब कॉन्सेप्ट आपको सभी कवर करने हैं। तो आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ से निकाल के लिखने होंगे कि जो आपने टॉपिक पढ़ाया, जो भी सब टॉपिक उसके लिए, तो सब कॉन्सेप्ट हुए उसमें क्या क्या आप जो क्लियर करेंगे उसको यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस यहाँ लिखना है कि टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाइड फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, कौन से टूल टेक्निक्स वहाँ उससे निकल के आएंगे, एक दो आप लिख सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन जो है एक्टिविटी चूजन, तो ये जरूरी नहीं हर कॉलम को भरना, आप एक कॉलम भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको जो आपका जो डेमो हो 40 मिनट्स भी नहीं, वो 10 मिनट्स भी का होगा, 10 या 15 मिनट होगा मैक्सिमम। फिर आपको यहाँ पर इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट पेज की, क्रिएट अ कॉन्सेप्ट मैप। तो ये एक छोटा सा है जिसको आपको क्या करना है यहाँ पर कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी ऑनलाइन लर्निंग चल रही है इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें जो है ना वो करवा रहे हैं कि आपको एक कॉन्सेप्ट मैप बनाना है। मतलब कॉन्सेप्ट मैप को आप इस तरह से लिख सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट मैप में आप कुछ इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, जैसे एक डायग्राम दे सकते हैं कि किस तरह से ये कॉन्सेप्ट जो है बच्चों के रियल लाइफ स्किल से रिलेट कर रहा है या फिर दूसरे सब्जेक्ट से ये कनेक्ट करता हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट मैप में देना है आपको। लाइब्रेरी रिसोर्सेज, अब इसकी ज़रूरत उतनी नहीं थी लेकिन फिर भी दिया इन्होंने, तो आप लिख सकते हैं लाइब्रेरी से रिसोर्सेज यूज्ड इन लेसन, तो आपने लाइब्रेरी से क्या रिसोर्स यूज़ किया। तो चूंकि अभी तो आप कोई भी रिसोर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इसको नील भी लिख सकते हैं क्योंकि आपने लाइब्रेरी से उनके कुछ भी लिया नहीं है। रिसोर्सेज फ्रॉम टीचर रिसोर्स सेंटर, आपने वहाँ से क्या लिया, तो ये भी आप नील लिख सकते हैं, ब्लैंक छोड़ सकते हैं या फिर डैश डाल सकते हैं क्योंकि आपने उस स्कूल का अभी कुछ भी यूज़ नहीं किया, आपने जो भी तैयार किया खुद से तैयार किया है। फिर रिसोर्सेज फ्रॉम एजुकेशनल वेबसाइट्स, अब आपने अगर इस लेसन प्लान को बनाने में किसी वेबसाइट का यूज़ किया है तो वहाँ पर उसका URL वगैरह वगैरह सब लिखना है, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने खुद से तैयार किया है, तो ये आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं कि आप वहाँ पर जाके अगर पूछा जाएगा आप बोल दीजिए कि मैंने अपने आप से तैयार किया है। आई थिंक अब आपको लेसन प्लान बनाने में ये जो इनका जो लेसन प्लान टेम्पलेट है उसको बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी।
और अगर आप लेसन प्लान कैसे बनाते हैं इसकी डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहते हैं, जो एक फॉर्मल लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, तो मैं आपको फिर कभी इसके बारे में वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपको ये लेसन प्लान कैसे बनता है वो जानना है, तो मैं बताऊँगी। यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी एग्ज़ाम पर्पज़ से, जो कि इंटरव्यू पर्पज़ से जो आपको लिखना है यहाँ पर, ये क्योंकि आपने ये मुझे मेल आया था कि ये वाला लेसन प्लान टेम्पलेट, क्योंकि अब तक ये जब मैंने भी जब ये इंटरव्यू दिया था तो मुझे भी ये सब तरह का लेसन प्लान नहीं भरवाया गया था, तो इसलिए अब ये नई चीज़ें। वैसे हम लेसन प्लान ऐसा ही बनाते हैं, लेसन प्लान का जो बुक होता, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो या नवोदय विद्यालय, किसी भी स्कूल्स में टीचर के पास एक लेसन प्लान होता है। आप इवन किसी प्राइवेट स्कूल में भी वर्क करते हैं तो लेसन प्लान आपसे बनवाया जाता है, एक टीचर डायरी दी जाती है आपको जो स्कूल की तरफ से, जिसमें आपका लेसन प्लान होता है, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। यहाँ पर आपको मैंने टेम्पलेट बताया, अगर कुछ भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर इंटरव्यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।